हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजे मोटर्स। आज हम टीवीएस रोनिन का रिव्यू करेंगे, जो एक काफ़ी अलग प्लेटफॉर्म, अलग लुक और यूनिक मोटरसाइकिल क्रिएट करने की कोशिश की है टीवीएस ने। चलिए तो फिर पूरा वीडियो देखते हैं, क्या नया है, क्या अलग है और क्या आपको पसंद आती है या नहीं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक बटन दबा दीजिए। तो जैसे आप पहले से देख रहे हो, ये गाड़ी एक क्रूजर टाइप की मोटरसाइकिल है और ये सारे कुछ इसके लुक्स है। और इसके बाद ये इन्वॉल्व लाइक नो अदर, ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन फिलोसॉफी है। यूनिक स्टाइल ये लगा मुझे कि जो ओडोमीटर है वो थोड़ा राइट साइड में रखा हुआ है, बीच में इसका इग्निशन की है। और BMW का एक क्रूजर मोटरसाइकिल आता है, काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन मुझे वो मोटरसाइकिल का ये TVS रोनिन में लगा, क्योंकि BMW का और TVS का भी कोलैबोरेशन चल रहा है, तो मुझे लगा ये डिज़ाइन शेयरिंग उसके साथ ही किया होगा। इसमें आपको USD फॉक्स भी मिल जाएंगे, पावरफुल इंजन मिलेगा 225 cc का, यानी मिड रेंज का इंजन आप बोल सकते हो, जो इंडियन ट्रेन पर अच्छा परफॉर्म करके देगा और कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको जितना पावर चाहिए उतना पावर निकाल के देगा। अगर आप हिल पर जा रहे हो या लॉन्ग टूर में जा रहे हो, इंजन से आपको धोखा नहीं मिलेगा। आपको दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, फ्यूल चैनल ABS के साथ स्विचेबल रहेगा और बहुत सारे फीचर्स है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसमें आपको 4 वेरियंट मिल जाते हैं, अभी इधर 3 वेरियंट दिखा रहा है, एक SS और इसके बाद ये है DS और उसके बाद ये है TD। ये कलर का ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और एक्स कनेक्ट के फीचर्स के अलावा कुछ भी इंजन में या फिर फीचर्स में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिया नहीं है। तो चलिए फीचर्स से ही शुरुआत करते हैं। फीचर्स में आपको कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा और अगर 360 व्यू भी मिल जाता है तो 360 व्यू भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये वेबसाइट में थोड़ा ग्लिच चल रहा है, तो आप भी अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में खोल के देखना, इस तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर मैं आपको ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की। देखो, इसमें आपको लाइट LED पूरा सेटअप मिल जाएगा, फिर दूसरा, हाँ, पीछे भी आपको LED सेटअप मिल जाएगा, इंडिकेटर भी आपका LED रहेगा, चेन कवर पूरा आपको ढका हुआ मिल जाएगा, जिससे आपके पिलियन को कुछ भी कपड़े ख़राब होने की परेशानी नहीं रहेगी और ऊपर से चेन भी आपका मड से सेफ रहेगा, क्योंकि ये ओल्ड टेरेन में चलने वाली मोटरसाइकिल है। इसका एग्जॉस्ट पाइप पूरा कस्टम बिल्ड है। जो फीचर्स इधर लगाया वो मैं आपको रीड करके बताने की कोशिश करता हूँ। इसके व्हील और टायर्स काफ़ी अच्छे कन्फिगर किए गए हैं, वो मैं आपको डायमेंशन में आगे बताता हूँ। और इसमें पूरा डिजिटल ओडोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, जो थोड़ा लेफ्ट साइड में लगाया हुआ है, छोटा है मगर बहुत सारे फीचर्स है। तो क्या क्या फीचर्स है हम टेक्नोलॉजी में जाके देख लेते हैं। तो इसमें आपको ABS के 2 मोड मिल जाएंगे, रेन और अर्बन, जिससे आपको रोड पर जो ब्रेकिंग पावर है उसमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा फीचर है ग्लाइड का, जो आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर तक आप ग्लाइड कर सकते हो, यानी अगर आप ट्रैफिक में हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में जो स्लो मूविंग ट्रैफिक एरिया है, तो वहाँ पर आप बस फर्स्ट गियर में आपको एक्सेलरेटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्लच सिर्फ छोड़ो और गाड़ी ग्लाइड करती रहेगी। ये ग्लाइड टेक्नोलॉजी का भी फीचर इसमें दिया गया है। सॉरी गाइज, ये मेरी तरफ से नहीं है, मगर मेरे ख्याल से TVS की वेबसाइट पर ही ग्लिच है, इसलिए मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। फिर दूसरा है मेरी, हाँ, ISGB आपको मिल जाएगा, यानी एकदम साइलेंट स्टार्ट आपको मोटरसाइकिल रहेगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको स्टेबिलिटी, हाँ, यानी आपको USD फॉक्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी। और मेरे ख्याल से ये है लास्ट, स्लीपर क्लच मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, हाँ, एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाएंगे, यानी आपके ब्रेक लीवर और क्लच लीवर आप
मैन्युअली एडजस्ट कर पाओगे। किसी के हाथ छोटे हुए तो वो थोड़ी कम हाइट रखेंगे, जिसके लंबे है वो थोड़ा लंबा डिस्टेंस रख सकते हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी कम प्राइस पर आपको TVS प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे फीचर्स आपको हैंड मोटरसाइकिल में ही मिलते हैं, जो आपको बहुत कम प्राइस में TVS Ronin प्रोवाइड कर रहा है। एक बार जाके ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगी। अगर आप बुलेट या फिर दूसरी कोई क्रूज़र मोटरसाइकिल टारगेट कर रहे हो, होंडा CB350 है या फिर ट्रायम्फ की 400 है, तो एक बार ये मोटरसाइकिल देखना बनता है, क्योंकि काफ़ी आधे दाम में, मेरे ख्याल से 99% आधे से या 60-70% दाम में आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी, और सेम फीचर सेम मज़ा देगी, बल्कि ज़्यादा फीचर मिलेंगे कई दूसरी मोटरसाइकिल से कंपेयर करने पर। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑडोमीटर में मिल जाएगी, जिसे और वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा, आप वॉइस असिस्ट से ऑडोमीटर को ऑपरेट कर पाओगे। फिर कॉल और SMS अलर्ट भी मिल जाएगा ऑडोमीटर पर, और डिस्टेंस टू MTB फीचर्स आसानी से वो तो मिलेगा ही, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी मिल जाएगा। इतने सारे फीचर्स है, तो ये बेसिक फीचर्स बोल रहा हूँ, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। अब ये लास्ट वाला कौन सा है, हाँ, साइड स्टैंड अलर्ट भी आपको मिल जाएगा, यानी अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो वो आपको बताता रहेगा। ये है कौन सा फीचर है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर। देखो इतनी सारे इसमें RPM भी आ गया, आपकी स्पीड आ गई, ऑडोमीटर आ गया, गियर इंडिकेटर आ गया, टाइम दिखा देगा, एवरेज स्पीड दिखा देगा, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहेगी, फ्यूल दिखाएगा, आपका मोड दिखाएगा, अर्बन है या फिर रेन मोड है, इधर से आप अपना मोड और सेट कर पाओगे। सारी टेल लाइट्स ये राउंड शेप में आ जाएगी, चेक इंजन लाइट, ABS की लाइट, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सारे फीचर्स, ये सारे लाइट्स इसमें है। बहुत छोटा है ऑडोमीटर है, मगर सारी इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर कर लेता है, उससे ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेता है। और दूसरा फीचर देखो इसी तरह से चला जाएगा, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, ये ग्लिच है मेरे ख्याल से। हाँ, ऑक्सिलरी डैशबोर्ड, यानी पूरा मोबाइल में आपका ऐप आ जाएगा, जिससे आप पूरा एनालिसिस कर पाओगे, वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा, पूरा राइड का एनालिसिस मिल जाएगा आपको, लोकेशन आपका मिल जाएगा, यानी आपने कहीं पर गाड़ी पार्क की है और आपको ढूंढना है तो वो आप लोकेट भी कर पाओगे ऐप के थ्रू। और आपको नेविगेशन सिस्टम भी इसमें ही मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स थे, और अब इसका इंजन कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं। तो इसमें आपको 4 स्ट्रोक 4 वाल SOHC इंजन सिंगल सिलेंडर का मिल जाएगा, जो 20.4 हॉर्स पावर 7,750 RPM पर निकाल के देगा। इंजन की साइज़ की बात की जाए 225.9 cc का रहेगा, और टॉर्क की बात की जाए तो 19.93 न्यूटन मीटर का 3,750 RPM पर, बहुत ही कम RPM रेंज में आपको पूरा टॉर्क निकाल के देगा। यानी आपको चलाने में 80-90 की स्पीड पर क्रूज़ करना है तो बहुत ही कम RPM पर आप वो स्पीड गेन कर पाओगे और लंबी दूरी आसानी से कवर कर पाओगे। ये इंजन आपका ओल्ड कूल रहेगा, और बोर और स्ट्रोक दोनों का साइज सेम रहेगा, 66 mm का। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एक मिनट, इलेक्ट्रिकल, हाँ, ऑलवेज ऑन LED टी शेप का सिग्नेचर पोजीशन लैंप मिल जाएगा, डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाएगा, ब्रेक लाइट और टेल लाइट आपकी LED रहेगी, टर्न इंडिकेटर भी आपका LED रहेगा, यानी फुल सेटअप आपका LED में ही रहेगा, स्पीडोमीटर पूरा डिजिटल और कनेक्टेड रहेगा। डायमेंशन की बात की जाए तो 2040 mm की लेंथ, विथ रहेगी 805 mm की, हाइट रहेगी 1170 mm की, व्हील बेस रहेगा 1357 mm का, सीट हाइट रहेगी 95 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस 181 mm का रहेगा, कप वेट 160 kg का रहेगा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर की रहेगी, यानी आप लंबी, अच्छा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आपको इसकी माइलेज का भी बता देता हूँ, 35-40 किलोमीटर पर लीटर का आप माइलेज एक्सपेक्ट कर पाओगे। ट्रैफिक वाले एरिया में, हेवी ट्रैफिक, जहाँ पर आपको ग्लाइड करने की नौबत आएगी, फर्स्ट सेकेंड गियर में ही चलने का रहेगा, तो आपको 30 किलोमीटर पर लीटर तक का भी माइलेज निकालेगी, कम से कम उतना तो जाएगा, और मैक्सिमम का आपका हाईवे पर 40 तक का माइलेज निकाल के देगी। ये रियल टाइम रिव्यूज़ मैंने देखकर आपको डेटा बताया है।
और टॉप स्पीड की बात की जाए तो 120 किलोमीटर पर आवर पर लॉक है, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये क्रूजर मोटरसाइकिल है। इंजन कैपेसिटी भले बढ़िया हो, टॉर्क भी अच्छा खासा हो, मगर आपका इंजन और आपकी मोटरसाइकिल की लाइफ और आपकी लाइफ को सेव करने के लिए टीवीएस ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को लॉक कर दिया है। मेरे ख्याल से ये सारी मोटरसाइकिल में फीचर आना चाहिए जिससे इंजन का भी लाइफ रहेगा और जो चलाने वाले का है उसका भी सेफ्टी रहेगा। कमेंट करके बताओ करना चाहिए या नहीं। फिर आपको फ्रेम की बात की जाए तो डबल क्रेडल स्प्लिट सिंक्रोनाइज स्टीफ फ्रेम मिल जाएगा, यह काफ़ी मजबूत रहेगा। और 41 mm का USD फ्रंट में सस्पेंशन मिलेगा। रियर में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडेड मोनोशॉक अब्जॉर्बर मिल जाएगा। टायर आपका फ्रंट में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर फ्रंट में मिल जाएगा। रियर में 130-70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर रियर में देखने को मिल जाएगा। 9-स्पोक अलॉय व्हील में देंगे। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। ड्यूल चैनल ABS रहेगी। ABS मोड आपका रेन और अर्बन मोड दोनों टाइप का रहेगा और लीवर्स आपके एग्जिस्टेबल रहेंगे। ट्रांसमिशन में आपको 5-स्पीड का गियरबॉक्स, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिल जाएगा। और एस्थेटिक्स में आपको बॉडी कलर प्लास्टिक ग्रे और डाउन ऑरेंज, ये तो मेरे ख्याल से कॉन्फ़िगर आप खुद भी कर पाओगे या फिर आपने जो वेरिएंट लिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। USD पर ब्राइट ग्लो गोल्ड मिलेगा, वो भी आपका वेरिएंट पर डिपेंड करता है। तो ये आप जो मोटरसाइकिल का वेरिएंट चूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अब इसके कॉन्फ़िगरेटर में जाते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छा खासा मिल जाएगा। रियर में आपको एसेसरीज अगर आप लगवाते हो तो इस तरह से एक कैरियर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप टॉप बैग रख पाओगे। साइड में भी आपको सैडल बैग मिल जाएंगे, टैंक बैग भी मिल जाएगा। विंड सीट छोटा सा है मगर बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, उसका भी मैं लुक आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो ये विंड सीट है, ये टैंक बैग है, USB चार्जर मिलेगा और आप एसेसरीज में इस तरह के लीवर भी आप डाल सकते हो। ये पीछे का कैरियर का लुक कुछ इस तरह से है। और ये देखिए फुल्ली एक्सरसाइज होने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आता है। और तो कुछ बाकी नहीं है, अब इसका प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग आपको 1,49,200 से स्टार्ट होती है और ऑल द वे आपको प्राइस 4 वेरिएंट मिलते हैं, तो 1,72,000 तक का। मैं आपको वेरिएंट वाइज दिखाता हूँ प्राइस क्या है। अगर आप SS वेरिएंट जो बेस वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस 1,49,200 है। अगर आप ऑन रोड प्राइस देखते हो तो ये मैं दिखा रहा हूँ कहाँ का, दिल्ली का। दिल्ली के लोकेशन पर आपको ऑन रोड ये आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कितना आपको डिफरेंस आपके सिटी में देना पड़ेगा। तो दिल्ली में अगर आप रहते हो तो 1,76,407 रुपये का ऑन रोड पड़ेगा TVS रोनिन का SS वर्जन। उसके बाद अगर DS वर्जन लेते हो तो 1,84,658 रुपये का रहेगा। TD वर्जन लेते हो 1,98,134 रुपीज़ का रहेगा। और TD स्पेशल एडिशन जो अभी लॉन्च हुआ है वो अगर लेते हो तो 2,510 रुपये का रहेगा। तो ये है इसकी कुछ प्राइस। और मर्चेंडाइज में जाते हैं तो आपको बहुत सारी एसेसरीज मिल जाएंगी, जैसे कि आप अपना जीन्स है, जैकेट है, ग्लासेस है, हेलमेट है, ग्लव्स है, ये सारी चीज़ें भी आप इसके साथ ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको TVS के शोरूम पर गैलरी बनाई होगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी।
जिस तरह से ये काफी राइडर जैकेट, लेदर जैकेट, टी शर्ट्स, जीन्स, ये देखो इस तरह से एक गैलरी बनाई होगी जहाँ पर आपको शूज भी मिल जाएंगे, हेलमेट्स भी मिल जाएगा और ग्लोव्स मिल जाएंगे, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आप अपनी राइड के लिए परचेज कर सकते हो। ईवीएस के पास से अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है और एसेसरीज आपको पहले ही बता दी। अब मैं ट्राई करता हूँ आपको 360 व्यू दिखाने का, तो इसके लिए मुझे वापस से वेबसाइट के एड्रेस बार में जाना पड़ेगा और मैं टीवीएस रोनिन को सीधा लोड करता हूँ। अगर मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरा वीडियो बनाने का तरीका भी देख लोगे उसी तरह। हाँ, मिल गया। चलिए आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ, तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैंने अपने सारे वीडियोस में 360 व्यू दिखाने की कोशिश की है। इसमें भी स्टाइल, इंजन, कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस और राइड एंड हैंडलिंग के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको पहले ही आगे बता चुका हूँ, तो वो दिखा के मैं आपको बोर नहीं करूँगा। तो बस आपको एक 360 व्यू दिखाना था। ये पीछे से थोड़ा सब्जेक्टिव है, आप बताओ आपको पसंद आती है या नहीं। मुझे पर्सनली थोड़ा पीछे से लुक पसंद नहीं आ रहा है, इसका जो फेंडर बाहर निकल रहा है या फिर थोड़ी सीट लंबी करनी चाहिए थी, रीडिज़ाइन करना चाहिए टीवीएस को पीछे से। मुझे ये मोटरसाइकिल पीछे से पसंद नहीं है इतनी, बल्कि साइड से, फ्रंट से, सब जगह से अच्छी लग रही है। बस पीछे से एक टीवीएस थोड़ा इम्प्रूव कर दे डिज़ाइन को, ये कंप्लीट मोटरसाइकिल है मेरे लिए। मैं इसको रिजेक्ट उसी वजह से करूंगा, बाकी कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंजन भी पावरफुल है और सुनने में आ रहा था कि ये गाड़ी हाइब्रिड मोड में आएगी, इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी रहेगी, मगर वो अभी तक आया नहीं है, इन फ्यूचर आने वाला होगा। ये सेम व्हीकल में ही आपको दिखाया गया था सेम इंजन के साथ, बहुत सालों पहले टीवीएस के बात बूथ पर ऑटो एक्सपो में, मेरे ख्याल से 2012 में दिखाया गया था। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मोटर लगाया हुआ था जो गाड़ी के इंजन के कंबस्टन के पावर से ही वो बैटरी चार्ज करता था और उससे ही पावर निकाल के आपको कंबाइंड व्हील पर पावर भेजता था और उससे ही आपको इलेक्ट्रिक का भी पावर मिलेगा और ये पेट्रोल इंजन का भी पावर मिलेगा। उस तरह से कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, डिटेल में तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर कुछ हाइब्रिड करने की कोशिश की गई थी इसी मोटरसाइकिल के साथ, मगर वो अभी तक मार्केट में टीवीएस ने लॉन्च नहीं किया, मगर आ सकता है इन फ्यूचर क्योंकि अभी सब लोग इलेक्ट्रिक में और हाइब्रिड में ही जा रहे हैं। तो कुछ था ये मेरा रिव्यू टीवीएस रोनिन का। अब बेशक एक बार अगर क्रूजर मोटरसाइकिल देखने जा रहे हो तो पहले ये मोटरसाइकिल को देखना मत भूलिए, क्योंकि अगर ये रिजेक्ट करते हो तो बहुत बड़ी भूल करते हो आप। तो जाइए, विजिट कीजिए टीवीएस शोरूम में जाके, और अगर पसंद आती है तो बुकिंग करवा लीजिए। अब मिलते हैं अगली मोटरसाइकिल का वीडियो के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।